वीवा का मेयोनीज, अगर आपके पास जो भी हो आप वो यूज कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल, ये है मिक्स हर्ब, ये देखिए सेजवान चटनी, आटा मैगी का एक पैकेट, अमूल चीज स्लाइसेस, आधा कटोरी पास्ता, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। आइए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दी है, इस पे रखा है एक बर्तन, इसमें डालूंगी करीबन हाफ लीटर पानी। इस पानी के अंदर ही हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक। जब हमारा पानी में बॉईल आएगा तब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे पास्ता बॉईल होने के लिए। ये देखिए हमारे पास्ता अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। मैंने लिया है एक बाउल, उसके ऊपर लगा दी छलनी, और छलनी से हम ये सारे पास्ता छान लेंगे। एक कप पानी, पानी को हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम मिलाएंगे मैगी मसाला, जो हमारे मैगी के अंदर निकला था एक पाउच, वो पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। और पानी को थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब पानी में हम ऐड करेंगे, देखिए थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैगी के मसाले में भी ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए थोड़ा सा ही हम नमक ऐड करेंगे, वैसे नमक आपके स्वाद के अनुसार। और दोनों मैगी के पाउ पीसेस को अब हम पानी में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये देखिए देख लीजिए इतना सा डाला है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये बहुत टेस्टी सी मैगी पास्ता बना रहे हैं, हमें तो बहुत पसंद है, आई होप आपके बच्चों को भी पसंद आएगी, तो जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं मेरा बनाया हुआ चीज़ी मैगी पास्ता आपको कैसा लगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे बॉयल हुए पास्ता, और इसको हम थोड़ा सा वापस अच्छे से हिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें, ये देखिए सेजवान चटनी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए करीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि ये स्पाइसी होती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे ही बनाना है आपको, और आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम चैनल आईडी से, कुक फास्ट एंड स्लो के नाम से। अब इसमें हम मिलाएंगे मेयोनीज, वीवा की मेयोनीज लिए मैंने, आपके पास जो भी हो आप यूज कर सकते हैं, एगलेस मेयोनी है। ये देखिए आपको जितना भी चीज ही पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, मैंने डाला है करीबन 1 चम्मच के बराबर।
मैंने करीबन एक बड़ा चम्मच ही मेयोनीज इसमें डाली है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अब देखिए थोड़ी सॉसी सी होनी स्टार्ट हो गई है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल बाजार जैसी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमूल चीज स्लाइस ऐड कर रही हूं मैं, एक पीस। हाफ भी ले सकते हैं, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है ये कम ज्यादा डालना। और इसको अच्छे से फिर से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिक्स हब, आपके पास जो भी मिक्स हब हो वो ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग जरूर अपने एक बार बच्चों को बना के खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी चीज़ी की पास्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप कभी भी बना के इसको खिला सकते हैं अपने बच्चों को। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।